आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने एक दिलचस्प खुलासा किया है। कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है कल ब्लॉक अध्यक्षों की, उसको लेकर मेरे साथ खुद अखिलेश पति त्रिपाठी हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या ये सबसे दिलचस्प जानकारी है। अखिलेश जी, क्या खुलासा किया आपने, जरा ये बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जमीनी हकीकत से कितनी दूर है, इसका एक नमूना लेकर मैं आपके सामने आया हुआ हूँ। ये कल दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने जो है एक लिस्ट जारी की है अपने 220 वार्ड अध्यक्षों की, जिसमें उनकी विचारधारा से 1.5 साल पहले ही अपनी कुंठा व्यक्त करते हुए और अरविंद केजरीवाल जी के विचारों में निष्ठा रखते हुए, आम आदमी पार्टी के कार्यों में निष्ठा रखते हुए 1.5 साल से मॉडल टाउन वार्ड 77 के प्रेसिडेंट हैं विपिन सिन्हा जी, उनका नाम ये देखिए मैं आपको देना चाहता हूँ सूची में। सीधे शब्दों में मैं आपको ये समझाऊं कि कांग्रेस ने अपने एक ब्लॉक के अध्यक्ष को आम आदमी पार्टी के जो वार्ड अध्यक्ष हैं उनका नाम दे दिया है। दरअसल यानी आम आदमी पार्टी के जो वार्ड अध्यक्ष हैं उनको अपना ब्लॉक अध्यक्ष बता दिया है। विपिन जी, ये बताइए मुझे, ये देखिए नंबर खन्ना और ये मोबाइल नंबर भी इनका है। ये विपिन खन्ना, ये जो विपिन खन्ना है यहाँ पर लिस्ट में है, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद भी है। नंबर विपिन जी, कब छोड़ी थी आपने कांग्रेस? तकरीबन 1.5 साल पहले। अच्छा, और उसके बाद मैं अरविंद जी के विचारों से बहुत सहमत था तो हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। अच्छा, और उसके बाद हमारे विधायक अखिलेश जी और अरविंद जी के सुझाव से वार्ड अध्यक्ष 77 का मुझे नियुक्त किया गया, तो तब से मैं कार्यभार संभाल रहा हूँ। अब कांग्रेस से वैसे आपके रिश्ते तो पुराने रहे हैं, तो आपने बताया उनको ये फोन करके कि आपने मेरा नाम डाल दिया गलती से? नहीं, मेरी अभी वहाँ पे किसी से कोई इस बारे में कोई बात नहीं हुई, तो मुझे भी जानकारी नहीं थी। मैंने तो जब सुबह इसको देखा फेसबुक पे कि ये लिस्ट डली हुई है, तब मुझे इसके बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विपिन खन्ना दूसरे हो आपके नाम? मोबाइल नंबर आगे है? नहीं, आगे मेरा मोबाइल नंबर है, इसलिए क्या कहते हैं कोई दूसरे होने का सवाल नहीं है। अच्छा, इसीलिए कंफर्मेशन हो रहा है आपको कि ये आप ही हैं विपिन खन्ना जो कि आम आदमी पार्टी के अभी मौजूदा समय? बिल्कुल। ये क्या दिखा रहा है? देखिये, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमीनी हकीकत से कितनी दूर हो चुकी है दिल्ली में, किस तरीके से उनका संगठन खत्म हो चुका है, इसका एक मैंने जीता जागता आपको नमूना दे दिया। अब दिल्ली के लोगों को इस माध्यम से हम अपील भी कर रहे हैं कि ऐसी खोखली पार्टी को कहीं वोट दे करके अपने मत को खराब करने का काम नहीं करेंगे।